नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मिलेगा मुफ्त में वैक्सीन। झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि राज्य में मैराथन बैठक के दौरान फैसला लिया गया है। बहुत ही शर्मनाक, झारखंड में जीवन रक्षक दवाओं की 7 गुना ज्यादा वसूली की जा रही है कीमत। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच एक बार फिर से आवश्यक दवाओं व मेडिकल उपकरणों की मारामारी शुरू हो गई है। वहीं मरीजों के परिजनों से जीवन रक्षक दवाओं के लिए MRP से 7 गुना ज्यादा तक की कीमत वसूली जा रही है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों का पर्याप्त इलाज तो दूर, उन्हें जरूरी दवाई तक नहीं मिल पा रही है। अरे वो दुकानदारों, भगवान से तो डरो। झारखंड में कोरोना काल में दवाई की कालाबाजारी शुरू, छापेमारी में हुए गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण के दौर में हर ओर लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढने में भी बाज नहीं आते। कुछ ऐसे ही बानगी झारखंड के राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। यहाँ एक तरफ कोरोना से लोगों का जीवन मुहाल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के दुकानदारों ने इस आपदा के घड़ी को अवसर में बदलते हुए दवाइयों की कालाबाजारी कर रही है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण में हुए इजाफे के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इन दुकानदारों को ईश्वर से डरना चाहिए क्योंकि ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती है। झारखंड में माओवादियों के 2 समर्थक हुए गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस ने नक्सलियों के 2 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस ने 2 माओवादी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चंदगो निवासी तारकेश्वर सिंह और पतगच्छा निवासी रामजन महतो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक CRPF और जिला पुलिस की ओर से अभियान चलाकर गुमला के जंगली क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही थी। झारखंड में कोरोना के आए 7,595 नए मामले, 106 और मरीजों की हुई मौत। राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं राज्य में विशेष जांच अभियान में 7,595 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित के 106 लोगों की जान चली गई। इससे अधिक 53 लोग रांची के थे। उधर हर रोज प्रत्येक 100 लोगों की जांच में से 10 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। कल के मुताबिक एक दिन में मिलने वाले सबसे अधिक लोग हैं। झारखंड में 55 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों को संक्रमित इलाके में नहीं मिलेगी ड्यूटी, बदले में दिया जाएगा काम। पुलिस मुख्यालय ने कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पहल की है। राज्य के 55 साल से अधिक उम्र के वैसे पुलिसकर्मियों जो डायबिटीज, उच्च रक्तचाप या लीवर आदि की बीमारी से ग्रसित हैं, वहीं गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है। ऐसे लोगों को संक्रमित इलाके में ड्यूटी नहीं दी जाएगी। सड़क पर घूमने वालों की पुलिस ने पूछी खैरियत, धड़ाधड़ काटे चालान, कईयों का लाइसेंस जब्त। लॉकडाउन की शुरुआत के साथ पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कईयों लोगों का ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि उनका चालान भी काटा है। वैसे बाइक सवार का चालान काटा गया है जो बेवजह निकले और बिना हेलमेट, बिना मास्क या बिना हेलमेट पिलियन राइड कर रहे थे। ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करते हुए रद्द करने की अनुशंसा की गई है। सरकार गरीबों को मई और जून में 5-5 किलो अनाज मुफ्त देगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में फिर से देश के अधिकतर हिस्सों में
बेपटरी हो रहे जनजीवन के बीच गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत सरकार गरीबों को मई और जून महीने में 5 किलो अनाज देगी। इस योजना से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक हर लाभार्थी यानी प्रति व्यक्ति को हर महीने 2 महीने के लिए 5-5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। 5 किलो के अलावा अनाज लेने पर उन्हें चावल 3 रुपया प्रति किलो, गेहूं 2 रुपया प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपया प्रति किलो दिया जाएगा। LTT रांची स्पेशल ट्रेन का बदला समय, 35 मिनट पहले पहुंचेगी गोमो, बाकी जगहों की देखिए लिस्ट। मुंबई से झारखंड लौटने वाले यात्रियों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना। रेलवे में मुंबई के लोकमान्य तिलक से रांची आने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल में फेरबदल किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से चंद्रपुरा तक इस ट्रेन का टाइम टेबल बदल गया है। टाइम टेबल के बदलाव के साथ ही ट्रेन अब 35 मिनट पहले गोमो और लगभग 1 घंटा पहले चंद्रपुरा पहुंचेगी। इसके साथ ही गया कोडरमा हजारीबाग रोड समेत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से चंद्रपुरा के बीच सभी स्टेशनों के टाइम टेबल बदल गए हैं। रेलवे की व्यवस्था 23 अप्रैल से प्रभावित हो गई है। झारखंड सरकार के एक निर्णय से उगलते बन रहा है न निगलते, जानिए शिक्षक जगत की अंदरूनी खबर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का फरमान शिक्षकों को न उगलते बन रहा है और न निगलते। कोविड के वर्तमान दौर में स्कूलों को खोलकर रखने का आदेश दिया गया है। उसमें से 50% शिक्षकों को विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित होनी है। इसके अलावा सैकड़ों शिक्षकों को कोरोना के कार्य में लगाया गया है। यहाँ तक कि 50 वर्ष से ऊपर वाले शिक्षकों को भी, जो भी शिक्षक स्कूल जाएंगे उन्हें किताबों का वितरण करना तथा ऑनलाइन क्लास भी लेना है। यहाँ तक कि इस संबंध में रोजाना प्रतिवेदन भी देना है। स्कूल तो बंद है पर एक दिन छोड़कर एक दिन शिक्षकों को जाना पड़ रहा है। यहाँ मात्र 2 शिक्षक हैं, वहाँ एक शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, वे अकेले ही कक्ष में बैठकर समय पार करते हैं, विभाग के दिशा निर्देश का इंतजार करते दिखते हैं। बच्चों तक किताबों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन पर ही है। ऐसे में ना उगलते बन रहा है न निगलते। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 3रे साल भी स्थगित, 2019 में आयोजन का था प्रस्ताव। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को प्रदेश प्रशासन ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। कारण कोरोना महामारी का संकट। परिस्थितियों के सामान्य रहने पर प्रदेश सरकार इसे मई जून में आयोजित करने पर गंभीरता से विचार कर रही थी। हज यात्रा पर जाने वाले ध्यान दें, जाने मक्का मदीना जाने से पहले क्या करना जरूरी। अगर आप हज यात्रा जा रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी सूचना है। हज आवेदकों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेनी होगी, क्योंकि इस समय समूचे देश सहित विश्व भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। ऐसे में हज कमेटी जम्मू कश्मीर ने इस बात का फैसला लिया है। हज यात्रा पर जाने से पहले आवेदकों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेनी होगी। इसी तरह निश्चित अंतराल के उपरांत जून महीने के मध्य में यात्रा पर जाने से पहले भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी होगी। उत्तराखंड के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शुरू हुई बड़ी तैयारी। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार हरिद्वार जिले में विकास करने की तैयारियों में जुटी हुई है। हरिद्वार जिला उत्तराखंड में पर्यटन और अन्य धार्मिक गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए एक अहम भूमिका निभाते हैं और हरिद्वार जिले में हर वर्ष देश विदेश से लोग आते हैं और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने हरिद्वार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू करने की तैयारी में है। जानिए क्या है प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना। जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा आए दिन बहुत सी नई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन किया जाता है और हम आपको आपने इस पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई सरकारी योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम आपको मुफ्त सिलाई करते हैं मशीन 2021 के बारे में जानकारी प्रदान करते रहे हैं। पीएम की फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा देश के गरीब श्रमिक महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। निःशुल्क सिलाई मशीन योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य
महिलाओं को सिलाई मशीन के जरिए घर बैठे खुद का रोजगार और अच्छी आमदनी कमाने के लिए प्रेरित करना है। भारत में कोरोना के भयावह संकट पर चीन का आया प्रस्ताव। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और उनके उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से बने मौजूदा हालात पर काबू पाने के लिए चीन ने जरूरी मदद की इच्छा जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत विदेशों से मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने पर विचार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों का हवाला देते हुए खबर में कहा गया है कि चीन उन देशों में शामिल नहीं है जहां से भारत अपनी ऑक्सीजन की जरूरत पूरा करना चाहता है। भारत ने इसके लिए खाड़ी देशों और सिंगापुर को तवज्जो दी है। कोरोना संकट के बीच फिर वायुसेना ने संभाला मोर्चा। इस बार हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है और नए मामले तेजी से बढ़ने के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। वाल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 3,32,503 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, वहीं 2,256 की मौत हो गई। संकट की इस घड़ी में देश को बाहर निकालने के लिए भारतीय वायुसेना सरकार और जनता की मदद के लिए आगे आई है। सरकार को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल रखा है। कोरोना वायरस की बेकाबू हालात को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई शहरों में ऑक्सीजन और आईसीयू की कमी की खबरों के बीच कोरोना संक्रमण से हो रही मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दिया एक साथ काम करने का मंत्र, कहा संसाधनों की कोई कमी नहीं है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे ऑक्सीजन के परिवहन में कोई बाधा न आने दें। इसके लिए साथ साथ पीएम मोदी ने सभी राज्यों से मिलकर एक साथ काम करने का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने सभी से साथ मिलकर काम करने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि राष्ट्र सामूहिक शक्ति के रूप में कोरोना से लड़ता है तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी बोले, बंगाल में विकास, सुरक्षा और शांति की ललक, होगा बड़ा परिवर्तन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए सभा की तैयारी की थी, लेकिन परिस्थितिवश मेरा बंगाल आना असंभव नहीं हुआ। अब खबर खेल जगत से। ओलंपिक के आयोजन पर फिर संकट, कोरोना के चलते टोक्यो में इमरजेंसी का ऐलान। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से लगभग 3 महीने पहले जापान ने राजधानी टोक्यो सहित पश्चिमी क्षेत्रों के 3 प्रांतों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को तीसरे स्तर के आपातकाल की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो, ओसाका, क्योटो और योगो में 25 अप्रैल से 11 मई तक के लिए आपातकाल की घोषणा की है। सुगा ने कहा कि यह कदम इसलिए भी उठाया गया कि ताकि जापान में अप्रैल के आखिरी सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक गोल्डन वीक की छुट्टियों के दौरान लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने से रोककर वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।